सुबह 4 बजे कानपुर देहात के अंबियापुर स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हो गया, जिसकी वजह से मालगाड़ी की 22 बोगियां पटरी से उतर एक के ऊपर एक चढ़ गई और कानपुर से दिल्ली जाने का रूट ठप पड़ गया। कानपुर देहात के अंबियापुर स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हो जाने से मालगाड़ी की 22 बोगियां पटरी से उतर कर एक के ऊपर एक चढ़ गई। यह ट्रेन हादसा सुबह 4 बजे हुआ था। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी की बोगियां और उनका मलबा पड़ा है, जिसके चलते कानपुर दिल्ली रूट बंद हो चुका है। रूट बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन पर फंसे हुए हैं। कानपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली या दिल्ली से कानपुर की ओर आने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। वहीं रेलवे के DRM मोहित चंद्रा भी मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक को साफ करने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारी और RPF बल कार्य करने में जुटे हुए हैं। DRM मोहित चंद्रा ने बताया कि ट्रैक को साफ कराने का काम तेजी से चल रहा है। स्टेशन पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रूट को डाइवर्ट किया गया है। रात 12 बजे तक रूट के दुरुस्त होने की संभावना जताई गई है। ये हादसा करीब रात में 4 बजे करीब हुआ है और इसमें 24 बोगी हमारी डिरेल हुई, 24 वैगन्स। इसमें अप एंड डाउन दोनों ब्लॉक है और कार्य प्रगति पे है उनको रिस्टोरेशन करने का। सब तमाम ऐसे लोग हैं, यात्री हैं जो आगे पीछे स्टेशनों में फंसे हुए दिवाली का समय, किस तरीके से उनके जाने आने की व्यवस्थाएं की गई, क्या कुछ? उनकी ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं कानपुर से, ज़्यादातर क्योंकि कानपुर पास नहीं है, यहाँ से कानपुर से डाइवर्ट होकर उनको वापस सबका रूट पकड़ाया जाएगा। अलग अलग ट्रेनों का अलग अलग रास्ता निर्धारित किया गया है, जो कि सबको आगाह कर दिया गया है। कानपुर देहात से अवनीश अवस्थी, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़।